हेलो एवरीवन, आप सब का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं किसी भी ट्रेन का तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट सीट और तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल किराया कैसे चेक करें। तो गैस वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गैस इसके लिए आपको अगर आपके मोबाइल में IRCTC ऐप नहीं है तो सबसे पहले आपको IRCTC ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है IRCTC। IRCTC टाइप करने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद अगर आपके मोबाइल में IRCTC रेल कनेक्ट ऐप नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपना जीमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको राइट हैंड टॉप अप के ऊपर लॉगिन का ऑप्शन देख रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपका जो भी लॉगिन पासवर्ड है वो टाइप करना है। वो टाइप करने के बाद आपको कैप्चा टाइप करना है। उसके बाद आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको प्लान माई जनरी के ऊपर क्लिक करना है। प्लान माई जनरी के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जिसमें से लेफ्ट साइड में फ्रॉम और राइट साइड में टू रहेगा। उसके बाद आपको फ्रॉम का मतलब है जहाँ से आप ट्रेन चढ़ना चाहते हैं, जिस स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो आपको फ्रॉम के ऊपर क्लिक करना है। फ्रॉम के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको इंटर फ्रॉम सिटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको जिस स्टेशन से आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। उस स्टेशन का नाम टाइप करने के बाद उस स्टेशन का नाम आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको टू में क्लिक करना है जहां तक आपको जाना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको इंटर डेस्टिनेशन सिटी के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको जहाँ तक जाना है उस स्टेशन का नाम यहाँ टाइप करेंगे। उस स्टेशन का नाम आ जाने के बाद आपको उस स्टेशन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल टिकट सीट चेक करना है तो आपको ट्रेन के खुलने के 24 आवर पहले बताएगा, तो आपको एक दिन पहले का डेट डालना है। 22 है तो एक दिन पहले का डेट डालना है, तो आज 22 है तो आपको एक दिन पहले का डेट 23 में हमको मिलेगा। उसके बाद आपको कोटा के ऊपर क्लिक करना है। कोटा के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद आपको तत्काल टिकट सीट चेक करना है तो तत्काल के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीमियम तत्काल अगर चेक करना है तो प्रीमियम तत्काल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सर्च ट्रेन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ट्रेनों का लिस्ट आ जाएगा।
उसके बाद आपको जिस ट्रेन में सफ़र करना है उस ट्रेन को चूज कर लेना है, और जिस ट्रेन में सफ़र करना है उस ट्रेन को चूज कर लेना है, और जिस बोगी में आप सफ़र करना चाहते हैं उस बोगी के रिफ्रेश के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये ट्रेन नाम लिख किया गया है। अब हम ये जिस ट्रेन में हम सफ़र करना चाहते हैं उस ट्रेन के रिफ्रेश के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं। जैसे स्लीपर के रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं 24 तारीख में 31 सीट अवेलेबल है, स्लीपर में 31 सीट अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपको तत्काल किराया चेक करना है तो आप नीचे देख रहे हैं, नीचे लेफ्ट हैंड में लिख के आ रहा है 705 फायर लिख के आ रहा है। इसी प्रकार से अगर थर्ड एसी का चेक करना है तो 3A में क्लिक करेंगे, उसके बाद इस देख रहे हैं 14 सीट अवेलेबल है और फायर इसका 1860 है। इसी प्रकार से सेकंड एसी में चेक करना है तो 2A में क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं फायर भी लिख के आ रहा है, सीट भी इतना सीट अवेलेबल है। अगर फर्स्ट एसी में चेक करना है तो 1A में क्लिक करेंगे, फायर भी लिख के आ रहा है, इसमें नॉट सीट अवेलेबल लिख के आ रहा है। उसके बाद आप अगर दूसरा ट्रेन में, हमको इस ट्रेन में नहीं जाना है दूसरे ट्रेन में जाना है तो उसी प्रकार से रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे जिसमें तत्काल सीट रहता है वो दिखाएगा, जिसमें तत्काल सीट नहीं रहता है वो नहीं दिखाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तो इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं पूर्व एक्सप्रेस यहाँ लिख के आया हुआ है, और देखिए यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड में कितना किराया है तत्काल का वो भी लिख के आ रहा है, और सीट इसमें 108 अवेलेबल है आप देख रहे हैं। अगर थर्ड एसी का चेक करना तो 3A में क्लिक करेंगे, सेकंड एसी का चेक करना तो 2A में क्लिक करेंगे, और फर्स्ट एसी में चेक करना तो 1A में क्लिक करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम तत्काल सीट एवं तत्काल किराया भी चेक कर सकते हैं, तत्काल सीट टिकट का किराया कितना है। तो गाइस वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ यू।